नाम सुधीर भाई गोयल है। 1970 में जब मैं 13 साल का था, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर एक गांव में विद्यालय की शुरुआत की। उसी दरमियान स्वास्थ्य, चिकित्सा, सेवा, स्वावलंबन, सद्भाव के पंचसूत्री कार्यक्रम को जारी रखा। अचानक बद्रीनाथ में मेरा एक्सीडेंट हुआ, सिर दो भागों में बढ़ गया। बच्चों को बचाने में पचमढ़ी में एक आंख की रोशनी चली गई और बहुत सारे अनंत दुर्घटनाएं हुई, लेकिन ये जीवन परमात्मा को परोपकार के लिए देना था। डॉक्टर बनना चाहता था, एडमिशन हो गया वर्धा में। विनोबा भावे जी के प्रेरणा से मैंने वो चिकित्सक बनने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि विनोबा जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और तुम गांव के चिकित्सक बनो। बाद में मेरा विवाह एक पोतर ग्रुप में हुआ, मेरे पुत्र का जन्म हुआ 1986 में। अचानक कुष्ठ धाम, जिसे लेप्रोसी विलेज बोलते हैं, मैं गया। कुष्ठ धाम में एक कुष्ठ रोगी नारायण एक झोपड़ी में सली सड़ी गली अवस्था में बेडसोल हो गए, हजारों कीड़े पड़ गए। उसको लेकर मैं अपने गैरेज में आया, जो पेडनकर नर्सिंग होम के सामने था। वहां उसकी जब सेवा कर रहा था तो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे में भगवान के दर्शन हुए। मुझे लगा कि इससे बड़ा भगवान का जीवंत मंदिर कोई हो नहीं सकता। और कुष्ठ रोगियों के लिए काम करना चालू किया। बस्ती में पीने का पानी नहीं, गंदगी इतनी कि चूहे उनके अनसेंसेबल पार्ट को नोच डालते थे, खा जाते थे। ये सब एविडेंस मेरे पास है। 13th मार्च 1987 को मदर टेरेसा उज्जैन आई। मदर टेरेसा हमारे केंद्र में आई, हमारे कुष्ठ भाई बहनों के बीच में। एक घंटे मुझे मदर के साथ बैठने का अवसर मिला। उस दरमियान मेरे मन में यह बात नहीं आई कि यह हमारे लोगों का धर्म छीनती है। मेरे मन में यह बात आई कि मैं भी ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता। अगर मदर ऐसा काम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। 1988 में बाबा आमटे आए। बाबा आमटे भी मेरे सेंटर में आए। उस समय व्यापार व्यवसाय काफी विस्तृत था। भाई केशव राय जी से मेरे 40 साल के संबंध हैं। ये हमारे उज्जैन के गौरव हैं और मुंबई में आकर जिस प्रकार का काम कर रहे हैं वो अदम्य साहस का काम है। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं। हमारे काम को समय समय पर भाई केशव जी ने आगे बढ़ाने में खूब योगदान दिया। मैंने अपना व्यापार व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया। घर परिवार समाज ससुराल सब विरोधी थे, कैसे काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा मित्रों वही माना जो मेरे मन ने किया, क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं तब किसी से नहीं पूछते हैं, तो अच्छा काम करने में पूछने की जरूरत क्या है। अच्छा, तो देखिए मैं इस बात को समाप्त कर रहा हूं। तो उसके बाद में मैंने आश्रम के लिए भूमि तलाश की। उबड़ खाबड़ बंजर, यहाँ पर पानी बिजली संसाधन नहीं थे। आश्रम की शुरुआत की। आज 9000 से ज्यादा लोग वहां रह चुके हैं। कुष्ठ रोगी हैं, टीबी कैंसर पीड़ित, एचआईवी मरणासन है। भगवान ने आश्रम की शुरुआत के बाद इकलौते बेटे को लिया, इकलौती बहन की हत्या हुई, पिता नहीं रहे, लेकिन उसका हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज विश्व
हिंदी दिवस है, आज विश्व हिंदी दिवस है। भाई केशव जी के बारे में मैंने बताया, ये अदम्य साहस के परिचायक हैं। इनका जो कार्य है वो प्रमाणिक है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रमाणिक कार्य करता है वही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आज केशव जी सबको साथ लेकर हिंदी का अलग जमाए हुए हैं, मालवा का अलग जमाए हुए हैं। हिंदी हमारी माँ है, ये अपनी माँ को अपनी माँ से ज्यादा समझते हैं, और अंग्रेजी बेटी है। माँ और बेटी का दोनों का महत्व है, लेकिन माँ का स्थान ही रहता है। तो केशव जी के लिए मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। इनके जो साहस है, इनका जो सोच है, यह स्वप्न दृष्टा है। विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति पिछले 30 वर्षों से निरंतर कार्यक्रम कर रही है। मालवा रंगमंच समिति जब शुरू हुई थी, साहित्यिक सांस्कृतिक और हिंदी का कार्यक्रम, तो सुधीर भाई भी जुड़े हुए थे, आपका भी आशीर्वाद रहा बराबर, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं। तो ये 5 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिरिक फेस्ट आज यहाँ है, कल नेहरू सेंटर में, परसों फिर यहाँ है, उसके बाद NCP में 14 को फिर यहाँ है। तो ये जो फेस्टिवल्स की उपयोगिता है, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी इसके बारे में बताएंगे, आप बताइए सुरेश शर्मा। ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। उसका 49 साल होने जा रहा है, अगले साल 50वां साल है। केशव जी से कहूँगा कि उसको बड़े पैमाने पर मनाया जाए। और इस साल जो 49वां साल है, उसमें विषय जो विश्व हिंदी का रखा गया है वो ये है कि अधिकतम लोगों तक कैसे हिंदी पहुँच सकती है, अधिकतम लोग संवाद का माध्यम हिंदी को कैसे बना सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी भूमिका दूसरे लोगों की हो सकती है। उसमें जो समाज सेवी संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण, उन लोगों की भूमिका हो सकती है, और शिक्षा संस्थानों की और राजसत्ता की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो उसके लिए एक मोर्चा तो वो है, दूसरा है कि जो लिट फेस्ट, जो लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है और जो केशव राय जी कर रहे हैं, उसमें हम भाषा के स्तर पर लोगों से सीधे संवाद करके विभिन्न विधाओं में, जैसे आज नाट्योत्सव है, नाट्योत्सव में सबसे पहले भारतेंदु ने नाटक के माध्यम से ही हिंदी को विकसित और विस्तार देने की कोशिश की थी। तो इन्होंने नाट्योत्सव जो पहले दिन रखा है हिंदी दिवस के, वो बहुत सोच समझ कर रखा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन हम जो विश्व हिंदी दिवस का, आज 49वां विश्व हिंदी दिवस पर, हम यही निवेदन करना चाहेंगे, ये 4 दिनों का जो लिटरेरी फेस्टिवल है उसको हम लोग सफल बनाएं, और आप लोगों का आशीर्वाद है और वो आगे और बढ़ेगा और हमारे सभी कार्यक्रमों में शामिल हो। और अभी जो 3 नाटक होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग अभी मंच पर बात करेंगे। आज एक और अपील करना चाहता हूं कि हम आज ये शपथ लें हिंदी दिवस पर यहाँ, कि हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, अपनी मातृभाषा में करेंगे, तभी यह सफल हो पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और अमित खान हैं जो राइटर हैं, तो वो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, अजीत राय उसमें भारत से विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं विदेशों में, तो आप इस लिटरेचर फेस्टिवल और फिल्म फेस्टिवल की उपयोगिता, उसकी विशेषता के बारे में बताएं। अमित जी आपसे जी नहीं, मैं शॉर्ट ही बोलूँगा, भाषण देने नहीं आया हूँ। देखिए, हिंदी की वैश्विक लोकप्रियता का आलम यह है कि हिंदी करीब करीब 80 करोड़ लोगों हिंदी 80 करोड़ लोगों की भाषा है, और हिंदी को ना तो किसी पर शासन करना है, ना किसी से शासित होना है। तो हिंदी एक विनम्रता से सारी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चल रही है, और जितने भी भारत के लोग दुनिया भर में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, हिंदी बोली जाती है और उनके लोग हिंदी में अपनी बातचीत रखते हैं। बिजनेस की भाषा अंग्रेजी है जरूर दुनिया भर में, लेकिन
प्रेम और मोहब्बत और रिश्तों की भाषा हिंदी है। तो हम हिंदी दिवस पर सबको बधाई देते हैं और केशव राय को खास तौर से, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, धन्यवाद। और देखिए, सबसे पहले केशव राय जी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, चूंकि उनकी वजह से ये सारा कुछ, और बहुत बॉम्बे जैसे शहर में रहकर वो जिस तरह से ये आयोजन करते हैं वो बहुत कमाल की बात है। और जहाँ तक हिंदी की बात है, मुझे लगता है हिंदी को लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हिंदी व्यापार की भाषा बन चुकी है। हिंदी, मैंने 100 से ज़्यादा नॉवल लिखे हैं, हिंदी में हैं, सब थ्रिलर हैं, और मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो प्रगति है वो सिर्फ हिंदी भाषा की वजह से है। एक छोटे कस्बे से लेकर बॉम्बे तक का जो सफ़र मैंने किया वो हिंदी भाषा की वजह से किया। तो इसके लिए मैं हिंदी को लेकर हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, और मुझे लगता है कि सबको हिंदी में अपना काम करना चाहिए। हिंदी पूरी तरह व्यापार की भाषा बन चुकी है। थैंक यू। ये कर रहे हैं सुनील को, देखिए हिंदी जो है वो मातृभाषा है, और संस्कृत जो है वो पितृभाषा है, वो गंगोत्री है, जिससे कई भाषाएं विकसित हुई है। कि हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना। स्टार गंगा नदी की तरह है, जो गंगोत्री से बहती है तो गंगा सागर तक जाती है। जब हम विश्व में बाहर हैं तो चाहे वो साउथ के हो नॉर्थ के हो, एकदम अपने परिचय हिंदी में करने लगते हैं। तो बेहतर है कि हम अपनी भाषा के लिए बिल्कुल समृद्ध होकर काम करें। और हिंदी फिल्म उद्योग में इसका जो स्थान है वो मैं अंदर आपको विसर्जित कर। इसमें समरसता नहीं है, हिंदू मुस्लिम दंगे हैं, तरह तरह के विरोधों की बात आती है ना। तो ये समझने की बात है कि जब देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए जो भाषा सबसे आवश्यक माध्यम है वो है ही नहीं, तो हमारा हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो कहाँ से आएगा। 12th फेल अभी पिक्चर आई, मैं बड़ी उसकी मुरीद हुई, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन बात यही है कि मौका मिला तो हिंदी में काम हो गया। लेकिन हमें एक साथ एक सूत्र में, एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए जिस जबान, जिस भाषा की जरूरत है वो हिंदी, और वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप लोग गूगल सर्च करें, राजभाषा है ना, इस बात को ध्यान रखें और गर्व तो करें हिंदी पर, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक मुहिम भी छेड़े, और जिन लोगों ने पहले से इस मुहिम को छेड़ा हुआ है उनका साथ दें, उनका साथ दें। और अगर हिंदी को बढ़ावा मिला, हिंदी की विकास हुआ है, तो फिल्मों के माध्यम से हुआ, गीतों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। और ये जो 1975 में सर ने कहा कि वहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की थी, तो वो सम्मेलन हर 4 साल में विदेश में होता है, और 2006 में मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाने का, तो दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर जो दूतावास है वहाँ विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी आज मन रहा है। तो इस तरह से हिंदी विकसित हो रही है। तो ये जो 14 सितंबर जो होता है, ये अपनी जो संविधान की 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त, उसमें हिंदी भी है, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका दिवस मनाया जाता है, ये पहले 14 सितंबर अब अंतर्राष्ट्रीय। तो ये भाषा को लेकर दुनिया में कहीं भी शायद ये उत्सव जैसा नहीं बनता है जो भारत में होता है। तो अब हमारे साथ राकेश कुमार जी हिंदी की प्रबंधन व्यवसाय में हिंदी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, दिख नहीं रहा है। मैंने पिछले 37 वर्ष में हिंदी में काम किया, और फिर अभी एक पुस्तक लिखी देसी मैनेजर, जो MBA नहीं गए लोग जो मतलब कि काम करते हैं लेकिन उनको पढ़ाने का नहीं है, तो उनके लिए लिखी गई। और आपको आश्चर्य होगा कि भाषा की ताकत, 25 जून को वो किताब पहली बार छपी थी और आज उसका 12 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वाह क्या बात है। तो देसी मैनेजर चैनल भी बनाया है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुहावरे लोकोक्तियाँ हमें मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल। और अगर आप उस भाषा में बात करते हैं तो आपको मैसेज अपने सबॉर्डिनेट तक भेजने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन मूल बात यह है कि मैनेजमेंट में रिसर्च और एम्पिरिकल डाटा, इन दोनों का अभाव होने से हम लोग वेस्ट की ओर देखते हैं। लेकिन आपको बड़ा दुख होगा ये जानकर
कि जो वेस्ट है वहां पर भी ये सिर्फ 100 साल पुराना है। 1910 में प्रबंधन अमेरिका में आया और इंग्लैंड यूरोप में आज भी इकोनॉमिक्स चलता है, वहां मैनेजमेंट नहीं है। और हमारे भारत की दृष्टि से हमारा परिवेश अलग है, वहां बरसात बरसात जाओ, हमारे यहाँ बरसात आओ। तो जब हम देसी हिंदी में बात करते हैं तो प्रबंधन में एक प्रकार की सुगंध आ जाती है और जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारा ग्राहक है, वो अधिक जुड़ पाता है और उसको विश्वास बढ़ता है। तो मैं केशव राय जी को इसलिए बधाई दूंगा कि केशव राय जी ने गीत संगीत लेखन और अब प्रबंधन को भी पकड़ लिया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुझे लगता है कि हिंदी एक इमोशन है, क्योंकि जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त, हम जब विदेश जाते हैं और जब हमें कोई मिलता है जो हिंदी में बात करे या फिर एक धोती कुर्ता या कुर्ता पहना है तो हमें लगता है कि इंडियन है। राजेंद्र सिंह राठौर है। सबसे पहले तो विश्व शुभकामनाएं। केशव भाई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, मुंबई में अक्सर फिल्मों के कार्यक्रम होते हैं, बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। जी जी। और फिल्में एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे के लोगों को जोड़ता है, सबसे सीधा सरल है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, हिंदी से प्यार करें, हिंदी का प्रचार करें। विश्व हिंदी दिवस के सबको शुभकामनाएं। अभी हिंदी का क्या महत्व है, ये पहले से ही आदिकाल से, मतलब क्या हुआ कि तुलसीदास जी के जमाने में वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत में थी, लोगों को संस्कृत समझता नहीं था, तो उन्होंने बोला जनता नहीं समझेगी तो रामायण क्या पढ़ेगी वो, तो उन्होंने भाषा में यानी हिंदी भाषा में रामचरितमानस लिखा। तो हिंदी का मतलब हमेशा रहा है। और अभी आप ये देखिए कि पहले साउथ वाले हिंदी का बुराई करते थे, लेकिन आज की तारीख में साउथ की फिल्में हिंदी में हिट हो रही है। तो मतलब हिंदी ने सारे हिंदुस्तान को जोड़ लिया। तो ये आगे बढ़ना है तो हिंदी को सीखना पड़ेगा। वो हर एक को जो हिंदी वाले हैं वो तो ठीक ही, आज पुराने जमाने में नहीं था, लेकिन आज IAS भी हिंदी में भी पास कर सकते हैं और कलेक्टर बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। हिंदी का बहुत डेवलपमेंट हो गया और केशव जी इसके लिए सतत प्रयास। एक चिंता भी है और एक खुशी भी है। चिंता इस बात की है कि लोक संपर्क के रूप में तो हिंदी भाषा का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी अभी पिछड़ रही है अंग्रेजी के सामने, ये एक चिंता है। दूसरा ये है कि एक पहलू पे बात नहीं हुई है कि वर्तमान सरकार की जो गतिविधियाँ हैं उसने हिंदी का बहुत व्यापक प्रसार किया है। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री से लेकर सब तक, तो आजकल सारे कॉरपोरेट के लोग हिंदी बोलने लगे हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। आपको मेरी तरफ से विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश के विद्यार्थी की आधी से ज़्यादा शक्ति अंग्रेजी सीखने में लग जाती है। हमें जापान और चीन जैसे देशों को देखना चाहिए जो अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करके संपूर्ण एनर्जी को अपनी सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर लगा रहे हैं, ना कि अंग्रेजी सीखने में अपनी शक्ति को गंवा रहे हैं। हमारे देश में हिंदी को अगर बढ़ावा दिया जाए तो हमारा विद्यार्थी आज अंग्रेजी सीखने में जो अपनी एनर्जी लगा रहा है उसकी बजाय वो साइंस कॉमर्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में अपनी वो एनर्जी लगाएगा, तो वो हमारे देश को का विकास में बहुत काम आएगी। और आज अंग्रेजी एक डिग्निटी का सब्जेक्ट बन गया है। हर आदमी सोचता है कि मेरी अंग्रेजी तेरी अंग्रेजी से बुरी कैसे, या तेरी अंग्रेजी मेरी अंग्रेजी से अच्छी कैसे, इसलिए वो और ज़्यादा एनर्जी लगा करके अंग्रेजी सीखने में और ज़्यादा एनर्जी लगाता है। इस तरह अपनी एनर्जी को, जो उसकी सामर्थ्य है, उसको डाइवर्ट करता है। धन्यवाद। विश्व हिंदी दिवस है और हमारे यहाँ मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट का आयोजन हो रहा है, जो कि विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से अनवरत रूप से जारी है। और इस कार्यक्रम के संयोजक और जो पूरे कर्ता धर्ता इस कार्यक्रम को करते हैं, आदरणीय केशव राय जी हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि मुंबई में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम है उनका और हिंदी भाषी लोगों को यहां पर एकत्रित करते हैं, जो हिंदी भाषा में लिखते हैं, पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में काम करते हैं, कवि हैं, शायर हैं, अभिनेता हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा में काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर आमंत्रित होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और हिंदी भाषा को लेकर यहाँ पर कई तरह की परिचर्चाएँ होती हैं। अभी भी 4 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है, इसमें लगभग 60 देशों से 100 वक्ता इसमें शामिल होने वाले हैं, कुछ 70 सत्र होंगे जिसमें अलग अलग विषय पर चर्चाएँ होंगी। और आज इसका शुभारम्भ हो रहा है,
तो मैं हिंदी बोलने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी सुनने वाले और हिंदी में काम करने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि जब भी समय मिले तो इन चार दिन में जहाँ भी आप चाहें इन कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। ये निःशुल्क होता है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। मैं भी अनेक प्रदेशों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। मैंने खुद ने एक किताब हिंदी में लिखी है इंजीनियरिंग की, तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में हिंदी और अधिक उत्तरोत्तर विकसित होंगी, लोकप्रियता इसकी बढ़ेंगी। नमस्कार, मैं सतीश कुमार हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो अभी मुझे पता लगा कि केशव राय जी ने बड़ा अच्छा इवेंट किया हुआ है, तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी तरह अगर हम अपनी बीच की जो भाषा अपनाते हैं, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई साउथ इंडियन है, तो बजाय इंग्लिश के अगर हम हिंदी में प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, हिंदी जो है, आपने काफी सारे शो वगैरह बनाए, क्या कहना चाहूँगा हिंदी को लेकर? हिंदी बेहद ही मधुर भाषा है और हिंदी तो आधार है हमारे हिंदुस्तान का। बस मैं यही कहूँगा कि हिंदी का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और बढ़ावा दें। धन्यवाद। होटेबलू में बात कर सकता हूँ? हाँ जी, मेरा नाम सतीश खूबचंदानी है और मेरा डिजिटल ब्रांडिंग एजेंसी है। तो मैंने एक बुक इंग्लिश में लिखी है, ब्रांड बिल्डिंग हैबिट्स, और खुद पब्लिश किया। जब मैंने पब्लिश किया तो मैंने देखा कि ऑथर्स को क्या दिक्कतें हैं। तो आज जो हिंदी जो हमारा समारोह है, हमारा जो फेस्टिवल है, उसमें मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जो भी ऑथर्स अपना बुक हिंदी में पब्लिश कराना चाहते हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे अमेज़ॉन में पब्लिश करने को और उनको फुल पब्लिसिटी देके उनको वर्ल्ड वाइड कवरेज हो। आज के टाइम पे क्या है कि जो भी बुक्स प्रिंट होती है उसका जो प्रिंटिंग होता है वो पब्लिशिंग में बहुत उनको दिक्कत होती है, पब्लिशर ढूंढो, सब कुछ करो, लेकिन आई कैन सपोर्ट देम ऑन दैट। तो मैंने सोचा ये यहाँ पे आके आपसे ये बात करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हिंदी दिवस पर बॉम्बे में एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं केशव जी को धन्यवाद देता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूं और खजुराहो में का रहने वाला हूं। खजुराहो में मैं सोशल वर्क में, अभी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पिछले महीने समाप्त हुआ है, उसका भी ऑर्गेनाइज़र हूं। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि ये कार्यक्रम में आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये देश और दुनिया में हिंदी का नाम रोशन होगा।